चलो साथ पूर्ण सर्वे नंबर फॉरेस्ट लैंड जो एमएससीबी का इशू है इस गांव का धरन का वगैरह पूरा कल खान साहब खुद आएंगे रुकेंगे दो दिन कंटिन्यू वहाँ 24 आवर्स उनका फ़ोन चालू रहेगा। मैं उनको सब बोल दिया एग्जीक्यूटिव का चालू रहेगा लेकिन खान साहब का पक्का चालू रहेगा और सारी व्यवस्था है वो करेंगे जो आप बोलेंगे वो। तीसरा और आखिरी का मतलब ऐसा अदरवाइज मत लो आप जहाँ भी कुछ लगा ऐसा करना है मर्क्यू लेके आना है लाख रुपये लग रहे 2 लाख पैसे मैं नहीं गिन रहा हूँ जस्ट बोल रहा हूँ बिंदास लेकर आ जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास में उसके बिल दे देने के या फिर बोल देने का वो पूरी व्यवस्था है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगी उसमें कोई दिक्कत क्या मालूम है क्या मैं फोन पे नहीं मिला वो अधिकारी नहीं है ये मसले होना नहीं तो बाद में हम बोल देंगे हमारे अधिकारियों को क्योंकि सबके सार्वजनिक है वो कोई ऐसा वैयक्तिक नहीं है यहाँ से पूरे मतलब यहाँ से जितनी पूरी दुआएं निकलेंगी कंपन बन के सभी के लिए जाएंगी ना वो सार्वजनिक है वो सार्वजनिक ही जाएंगी ना। और मेरा मतदार संघ लकी है मैं लिम्बी जलगांव में मेरा पूरे राज्य का हुआ मैं बोला ना 140 देश के सब बहुत बड़ा हुआ था और पूरे अलग वाइब्रेशन है पूरे और इसलिए फिर कैसा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे अमन शाह की बहुत अच्छी है मैं था ना उस दिन इस्तेमाल में भी जो ये रहता मतलब क्या बोलते ना किसके नाम नहीं सबका सोलो का कैसा रहा ये रहा ये जो दुआएं चलती है ना ये यहाँ से अमेरिका वालों को भी पहुंच जाती है पूरे आनंद जब जाती ना वो तो जिसको लेना है वो ले सकता है अब जो करंट है वो नहीं लेगा उसको किसके कर्म उसका। और मैंने कितने भी अच्छा बोला और मेरे दिल में काला तो मेरे को खुद को भोगना है कोई देखो मत देखो जिसको देखना है वो देख रहा है वो देख रहा है उसके हिसाब से वो है अब वो जिसको समझा कि उसको मेरे को जवाब देना है या फिर उसके सामने मेरे को रहना है तो समझता है मेरे अब तक का इशू है बगा मेरे सीओ से टॉयलेट वाला है दोन और यहां पे भी बता रहे बहुत नहीं आना मोबाइल टॉयलेट चालू दिया ठीक है त्याच्या व्यतिरिक्त आपले जितके कर्मचारी आहेत ना शहर सोडून द्या इथेच 2-3 दिवस कचऱ्याच्या व्यवस्थेत जाऊ द्या त्यांना सांगायचं तर घ्यायचं 25 लाख लगेच टाकायचं आतमध्ये आणि बघायचं बरोबर की नाही एक डस्टबिन 5-25 ठेवून द्या इकडे सध्या शहरात जरी असल्या तरी त्या इकडे मागून घ्या एका ट्रॅक्टरमध्ये टाकून वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी ह्यांना विचारून कुठे कुठे ठेवायचं ते ठेवून द्या आणि आपल्या सगळ्या नगरपालिकेच्या किती लोक आहे आपल्याकडे स्टाफ हा कचरा पाणी करता 40 च्या 40 2 दिवस इथेच राहिले पाहिजे दोन्ही दिवस इथे राहिले पाहिजे इथे त्यांची जेवणाची व्यवस्था तिथं जेवण पण करतील ते नाही का म्हणजे सब ते सांभाळून घेतील इथून जायचं नाही म्हणा 2 दिवस त्यांनी पुन्हा राहतात इथल्या स्वच्छता त्यांनी 40 जणांनी बघायची और कुछ आमिर साहब ये इज्तिमा है और कितनी तारीख से चालू होने वाला और इंतजाम में क्या रहेंगे ये हमारे पास फुल्ला तालुके का उमूमी इज्तम है ये 23-24 नवंबर दो दिन इज्तम रहेंगे इंशाल्लाह जुमेरात और जुम्मा और 24 की रात में मगरिब की नमाज के बाद जो आखिरी उमूमी बयान होगा उसके बाद में दुआ होगी। इज्तम के लिए तमाम तैयारियाँ इज्तम की मुकम्मल हो चुकी है आने वाले लोगों के सहूलत के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है लाइट की पूरी सहूलत है और नमाज वगैरह अदा करने के लिए जो है ये पिंडाल बनाया गया है। कितने एकड़ में पिंडाल बनाया गया ये तकरीबन ये 300x350 स्क्वायर मीटर में पिंडाल है जगह तो काफ़ी बड़ी है ये इसमें वजू खाने तारत खाने बैतुल खला का इंतज़ाम है और अभी जो लोग खिदमत कर रहे हैं इनके लिए ये इस जगह पे आर्जी मस्जिद का भी इंतज़ाम किया गया जिसमें नमाज वगैरह का अहतमाम किया जा रहा है आने वालों के लिए खाने के जोन वगैरह का अहतमाम किया गया है थोड़ा सा मार्केट लगाए लोगों को चाय पानी नाश्ते के लिए तमाम किस्म की सहूलतें की गई हैं और ये हमारे पूरे खुल्लाबाद तालुके का 2 रोज़ा उमूमी इज्तम है और ये हजरत शेख हमारे मुंतजुद्दीन ज़रदारी ज़रबख़्श रहमतुल्लाह अलैह के उस मैदान के मुकाम पर यह इज्तम मुनक़िद किया जा रहा है
और कितने लोग आने के संभव है? हमारे तालुके के जो तकरीबन लोग है ये 25-30 हज़ार लोगों की उम्मीद है। ऐसा औरंगाबाद से भी कुछ लोगों के ज़्यादा यहाँ आने की उम्मीदें बन रही है। तो कंटिन्यू इतने लोग रहेंगे यहाँ दो दिन? हाँ, दो दिन ये लोग यहाँ पे क़याम करेंगे। और ये जो है फुल्लाबाद में समझो पहली मरतबा ऐसा अमूमी इज्तिमा हो रहा है। छोटे मोटे इज्तिमा जो है तालुका सतह पर होते रहे। ये हमारे पूरे तालुके के 7 ज़ोन हैं और ये 7 ज़ोन का अमूमी इज्तिमा है। और जो आने वाले भावी गए जैसे के, तो उनके लिए क्या आह्वान करेंगे आप? कैसा आईना, कैसा जाना शांता तक आह्वान कैसा करेंगे? क्योंकि हमने हर जगह पे हमारे पास में जो है उनको हिदायतें दी गई हैं, जो सेंटरों में सेंटर के जिम्मेदारों को हिदायत दी गई है कि वो पूरे नज्म ज़ब्त के साथ में इज्तिमा में आएंगे। इज्तिमा में पूरे साफ़ सफाई का ख्याल भी रखेंगे अपना, और हर खत्ते की खत्तेवार जमात बनाई गई है। खत्तेवार जमात के अंडर में उनकी तालीम वगैरह होगी, 10 से 12 तालीम होंगी। 23 के दिन फजर के बाद में खत्तेवार जमात से बात होंगी, तो 10 से 12 तालीम होने के बाद में जोहर में उमूमी बयान होगा, और 23 के दिन मगरिब में भी बयान होगा, और 24 तारीख के दिन जो है सुबह फजर में हमारी जो मस्जिदवार जमातें हैं इनकी एक कारगुजारी होंगी कि भाई ये जमातें जो अपने अपने इलाके में काम कर रही हैं उनकी कारगुजारी ये आर्जी मस्जिद में मुनाकिद होंगी। इसी तरीके से हमारे तालुके के जितने उल्मा आइमा हुफाज है इनका एक जोड़ होगा, और उसके बाद में जो है हमारे पास जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उनको अलग से जोड़ा जाएगा उनसे भी, और अरबी मदारिस के जो तुलबा हैं उनके भी एक जोड़ होंगे। इसी तरीके से समाज के माजूद जो लोग हैं जो बात वगैरह नहीं कर सकते हैं इनके लिए भी ट्रांसलेशन करने वाले रहेंगे, उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं जो माजूरी में। और दुआ ख़त्म होने के बाद में जैसा कि भाविक जैसे जाएंगे यहाँ से, तो उन्होंने शांता तक कैसा जाना ये थोड़ा सा आह्वान कर दिया तो अच्छा रहेगा। होने के बाद में उनको यहाँ से हमारे पास में तखत से पूरी हिदायत दी जाती है कि वो पूरे ट्रैफिक के कानून का पे अमल करते हुए जो है पूरे अमन के साथ में जो है सब्र के साथ में अपनी गाड़ियों को निकालें और जो है अपने मुकाम की तरफ रवाना हो। चलेंगे। आपका नाम? जी मेरा नाम गुलाम रसूल। आप यहाँ के जिम्मेदार? हाँ जी। चलेंगे, शुक्रिया। बोलो बोलो। खाने के लिए सब पेन मिल गया तो 23 और 24 को एक विजिट दे दीजिए तो अच्छा। दे देंगे ना? हाँ जी। चलो साथ ही। पूर्ण सर्वे नंबर फॉरेस्ट लैंड खड़े रहेंगे ना आपको तो यूज में लो नगर पालिका है आपको जो भी 23-24 सब खाली रहे तो विजिट दे दो सब वो आपने ये सारे कामों में सबसे इम्पोर्टेंट कल परसों सबसे इम्पोर्टेंट जो खान साहब का करे काम आपके वो बहुत जरूरी है हो जाएंगे सभी जरूरी है बहुत जरूरी क्या हुआ अभी मतलब अनफॉर्चुनेटली उद्या संध्याकाळपर्यंत पूर्ण आजपासून चालू करा उद्या संध्याकाळपर्यंत सगळे मार्केट जाऊन मला रिवर्ट करा काय झालं काय दुसरं क्या था सीओ सबके पास में एस गाँव में जो लोड शेडिंग है मी खान साहेबाला बोललो आहे त्याच्या ऊपर लक्ष ठेवा त्याच्यानंतर काय करा
तीन चार टैंकर मोठे वाले कोणते 25,000 लिटरचे ते मागून घ्या आपल्याकडे, ठीक आहे ना? ते तो बिराव द्या चायनी पाचीकडे, त्यांना लागलं पाण्याचं एखाद्या वेळेला काही प्रॉब्लेम आला काही झालं ते वापरल्या जाओ की नाही जाओ तो टँक आहे ना एक वही क्या बोल रहा हूँ आप डलवा लो खड़ा रखो वापिस भरवे भेज दो या दो ट्रिप मारने लगा वो मेरा कुछ ठीक है ना चार टैंकर इतना आपने 25,000 लीटर चे नहीं 25 चे भेटले तो 15-15 चे 8 एक लाख लीटर ची व्यवस्था वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी जसे म्हणतील तशी उभी करून टाकायची ओके रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।